अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। 2000 रुपए की चप्पल खरीदी तूने एक नौकर के लिए? हाँ। अच्छे से समझ में आ रही है तेरी सारी चलाकियां। जब तेरी 1000 कोशिशों के बाद भी मेरे सामने दाल नहीं गली तो तू नौकरों को अपनी तरफ कर रही है। इस तरह से गिफ्ट दे दे के नौकरों की फौज मेरे खिलाफ इकट्ठी करके आवाज उठाना चाहती है। हीर, क्या जरूरत थी? आई डोंट थिंक सो इट वॉज नीडेड। बेकार का खर्चा किया तुमने। बेकार का खर्चा कैसे हुआ ये? दर्द नौकर का हो या मालिक का, तकलीफ तो देता है ना। बेचारी हीर दीदी को मेरी वजह से 4 बातें सुननी पड़ रही हैं। हीर, ऐसे तो घर में कितने सारे नौकर हैं, हर किसी की कोई ना कोई तकलीफ है, तो क्या सब पे खर्चा करोगी? लेकिन अगर कोई हमारे लिए काम करता है उसकी जरूरतों को पूरा करना हमारा फर्ज है। देखा तेजी, वकील बनी नहीं है अभी ये लड़की, लेकिन दलीलें इसके पास हर बात की है। एक बात कान खोल के सुन ले, ये जो पानी की तरह पैसा बहा रही है ना तू, ये तेरे पियोदा नहीं है। परसों मेहनत करके पाई पाई इकट्ठी करके ना इस कारोबार को मैंने खड़ा किया है। कोई हक नहीं है तुझे अटवालों के पैसे को नौकरों के सामने अच्छा बनने के लिए इस्तेमाल करने की। बीजी प्लीज, मेरे पापा जी के लिए कुछ मत बोली। और रही बात पैसों की, तो आप शायद भूल रही है कि शादी से पहले मैं ट्यूशन पढ़ाती थी। मैंने अपने पैसे दिए। सही तो कह रही थी हीर जी, इन बड़े लोगों के दिल इतने छोटे कैसे हो सकते हैं? और हीर जी ने अगर किसी नौकर की मदद कर भी दी तो इसमें इतना नाराज होने वाली कौन सी बात है? ये लीजिए दीदी, ये चप्पल आपके लिए। अगर ऐसे पहन के आप ज्यादा देर खड़े भी रहोगे ना तो भी आपके पैरों को दर्द नहीं होगा। नहीं दीदी, आपने हमारे लिए इतना सोचा, यही हमारे लिए काफी है। आप चप्पल वापस कर दीजिए। फिक्र मत करो, मैं सब संभालूंगी। और बड़ों के गुस्से का क्या बुरा मानना, खास करके तब जब आपने कुछ गलत किया ही ना हो। एक बात कहूं दीदी, आपके आने से सालों बाद इस घर में बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। ये तो बस शुरुआत है। इस घर के सारे लोगों को एक साथ लाने की लड़ाई तो अब शुरू होने वाली है। चाहे कितना भी मुश्किल हो, इन सबको एक दूसरे का दर्द समझना और अपना दर्द बांटना तो मैं सिखा कर ही रहूंगी। और किससे शुरुआत करनी है मुझे पता है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।